हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू मीडिया। आज मैं आपको बताऊंगा दांतों के कीड़ों से निजात पाने का आसान हल। आपने अक्सर सुना होगा, जब हम खाना खाते हैं और दांत साफ नहीं करते तो खाने के अज्ज़ा दांतों में रह जाते हैं और इस तरह दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और वो सड़ जाता है। ये नज़रिया अमरीकी माहिर दंदान ने पेश किया था, लेकिन अब इस नज़रिए को रद्द किया जाने लगा है। माहिरीन का ख़्याल है कि दांतों में कीड़ा लगने का ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की खुराक से है, और अगर हमारी खुराक में ग़िज़ाइत कम हो तो दांतों में कीड़ा लगना यकीनी है। तहकीककार डॉक्टर वेस्टर्न प्राइस का कहना है कि अगर खाने में लम्हियात, मुजलजल, वामिन और ग़िज़ाइत कम हो तो हमारी हड्डियाँ और दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। खून में कैल्शियम और फास्फोरस का तनासुब ख़राब हो जाता है, जबकि बैक्टीरिया इन कमज़ोरियों की वजह से हमलावर होता है और दांतों में कीड़ा लग जाता है। डॉक्टर वेस्टर्न का कहना है कि दांतों के कीड़े से निजात हासिल करनी है तो हमें अपनी खुराक की तरफ तवज्जा देनी होगी। इसका कहना था कि हमें अपनी रोज़ाना की खुराक में चंद बुनियादी तब्दीलियां करनी होंगी, यानी खाने में नारियल का तेल, गोश्त, डेयरी फूड का इस्तेमाल करें तो बहुत मुफीद है। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।